उस वक्त आवाज़ देना चाहूँगा अज़ीज़ मोहम्मद आदिल सल्लमहु को, वो आए और तकरीर पेश करें। अज़ीज़ मोहम्मद आदिल मदरसा इमदादुल उलूम के होनहार तालिब इल्म आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामाने किराम और मदरसा इमदादुल उलूम के बुलबुलों, असातिज़ाए किराम, दिगर हजरात, आइए आप हजरात के सामने यौम आज़ादी के उनवान से कुछ लब कुशाई करने की जसारत कर रहा हूँ। हजरात और मेरे प्यारे देशवासियों, हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को लगभग 200 साल तक गुलाम बनाए रखा। पहले हिंदुस्तानी आपस में बटे हुए थे, यहाँ के राजा महाराजा एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे, आपस में झगड़ते रहते थे, बहुत से राजा अवाम पर जुल्म करते थे। हजरात, जब अंग्रेज़ों ने देखा कि अब हिंदुस्तान पर वो पूरी तरह से काबिज़ हो गए हैं, तो उन्होंने यहाँ लूट खसूट शुरू कर दी और हिंदुस्तान को दोनों हाथों से अंग्रेज़ों ने लूटना शुरू कर दिया। इसी तरह हिंदुस्तानियों के दिल में अपना देश आज़ाद करने का ख़्याल पैदा हुआ। हिंदुस्तानियों ने अपनी आज़ादी की पहली जंग 1857 में लड़ी, जिसे हिंदुस्तान ने जिसे अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया था। राहत इंदौरी ने अपने हुब्बुल वतनी का सबूत इस तरह दिया है, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मोहतरम बुजुर्गों, 30-40 साल खामोश रहने के बाद हिंदुस्तानियों ने फिर से जंग आज़ादी के लिए दोबारा जद्दोजहद शुरू कर दी। पिछली सदी की आखिर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई, बाद में महात्मा गांधी भी इस तहरीक में शामिल हो गए। महात्मा गांधी ने जद्दोजहद को नया रंग दिया और आपने आज़मे तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। इसी इतना में महात्मा गांधी की शख्सियत से मुतासिर होकर बहुत सारे रहनुमा ने उनका पुरजोर इस्तकबाल किया, जिनमें अली बरादरान, हकीम अहमद खान, पंडित मोतीलाल नेहरू, शेख डॉक्टर अंसारी, शेख अब्दुल्ला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह ने आपका साथ देने का ऐलान किया। उन लोगों की खिदमत और कुर्बानी की बदौलत अंग्रेज़ हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए मजबूर हो गई और आखिरकार हमारा मुल्क अजीम 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के चुंगुल से आज़ाद हो गया। इसी आज़ादी की खातिर हिंदुस्तानियों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी है, लेकिन आज उनकी कुर्बानियों को मिटाया जा रहा है और जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। राहत इंदौरी ने क्या ही खूब कहा है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मेरे दोस्तों। लेकिन और आज ये कहा जा रहा है, तुमने इस मुल्क में क्या कुर्बानियाँ दी है। पारा पढ़ दीजिए, जहमत होगी, बहुत शानदार शेर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छा इंतखाब किया है असातिज़ा ने, अच्छे अच्छे शोरा का एक एक शेर लिया है जो बड़ा कीमती शेर है, तारीखी शेर है। दोबारा पढ़ दीजिए। लगेगी आग तो आएंगे कई घर सद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे दोस्तों। लेकिन आज और ये आज कहा जा रहा है, तुमने इस मुल्क में क्या कुर्बानियाँ दी है। अरे अंग्रेज़ों को चेलो और चौपले सो, ज़रा पूछो 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 तो सही, दिल्ली के जामा मस्जिद से, कुतुब की बुलंद इमारतों से तो आवाज़ आएगी, मुझे आज़ाद करने वाली शख्सियत हुसैन अहमद मदनी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, इनके अलावा इस मुल्क की एक लंबी दास्तान तारीख की किताबों में मौजूद है। लिहाजा ऐ लोगों, इस मुल्क को बचाने के लिए हमने पहले भी कुर्बानी दी थी और आज भी हम तैयार हैं। ये मुल्क किसी एक फर्द एक हुक्मरान का नहीं है, यहाँ हिंदू मुसलमान के लघु और उनकी मोहब्बत शामिल है। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा है, न पूछो मुझसे लज्जत खानमा बर्बाद रहेगी, न पूछो मुझसे लज्जत खानमा बर्बाद रहेगी, नशे मन सैकड़ों मैंने बनाकर फूक डाले। सामने कराम,
आइए हम सब ये अजायम करें कि अपने नस्लों को इस मुल्क से मोहब्बत का पाठ पढ़ाएंगे और उनको बताएंगे ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। इस शेर के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस समन में वहदत का गीत गाया, सारे जहाँ को जिसने इल्म व हुनर दिया था, सारे जहाँ को जिसने इल्म व हुनर दिया था, मिट्टी को जिसके हक ने ज़र का असर दिया था, जन्नत की जिंदगी है जिसकी फिजा में जीना, जन्नत की जिंदगी है जिसकी फिजा में जीना, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।